अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को मेरी और मेरी अम्मी की तरफ से जुम्मा मुबारक। अम्मी देखो पहले से वट्टा वट्टा होने लगी कि मुझे कैमरे में ले तो बस अभी भी ना दो कि काजल वाजल लगा के हम आए। और ये पिंपल नहीं है, बदन मच्छर ने काट लिया, दाना बन गया है वो। तो बस अभी हम बना रहे हैं इस टाइम मेथी की खिचड़ी, क्योंकि मौसम बहुत चार पाँच दिन से हमारे यहाँ बारिश लगातार हो रही। तो अम्मी ने कहा बारिश में होते हैं ना बस ब्लैंकेट पकड़ के लेटे रहो, बिल्कुल आराम से करने का दिन चाहता है। तो बस तो अम्मी कहेंगे आज खाना नहीं बनाएंगे, आज मेथी की खिचड़ी बना लेंगे। तो अम्मी आज मेथी की खिचड़ी बना रही है। तो शाम को हमने सोचा कि चिकन बना लेते हैं, कोई सा फ्राई व्राई वाला मेरा खाने का दिल चाह रहा है। तो बस इस टाइम मैरिनेशन करने जा रहे हैं, हमने सोचा मैरिनेशन करें तो आप लोग को दिखा देते हैं। तो चलिए देखिए। तो यहाँ पर जी हम करने लगे हैं सबसे पहले प्रिपरेशन, क्योंकि हर काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले होती है उसकी मैरिनेशन। तो यहाँ पे हम बस करने लगे हैं मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए हम सही बड़ा सा बोल, अब चिकन के हिसाब से ले लें तो हमने बड़ा सा बोल में हमने पहले लेमन स्क्वीज कर लिया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला लिया, गरम मसाला। अब हम मिला रहे हैं रेड चिली पाउडर 2 चम्मच के करीब। आप अपने चिकन के हिसाब से इससे मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम धनिया डाल रहे हैं, हमने 3 चम्मच धनिया डाली क्योंकि हमें बाद में भी धनिया थोड़ी कम लगी थी, तो हमने बाद में भी थोड़ी धनिया ऐड कर ली थी, ऐसा करा था हमने। क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है वो चटपटे खाने खाए जाते हैं, बिल्कुल लो वाले खाने नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब देसी वाले लोग हैं ना, तो इसलिए सब चटपटा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर दिया था, क्योंकि हम रोस्टेड टाइप का चिकन चटकारा बनाएंगे। और हम सारे जो चिकन बनाते हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा हम सीक में ही, या स्कीवर्स जो होती है सीक, उसको मैं उसमें ही लगा के हम बनाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि उसमें हर तरीके से एक अच्छा सा, मतलब उसको एक कहते नहीं, एक अच्छा सा उसको रूप मिल जाता है, एक अच्छा सा उसको अच्छे से उसको स्टैंडर्ड मिल जाता है। उस तरीके से हमें चिकन बनाना है, ये नहीं कि आप बस ऐसे उठाने के, हम तल तो देंगे डायरेक्ट, लेकिन ऐसे हमारी पकौड़ी टाइप के चिकन लगेंगे, ऐसे लगेगा बेसन की कोई पकौड़ी खा रही है। इसलिए तो हमें चिकन को चिकन के हिसाब से बनाना है, उसको उस हिसाब से प्रीफर करना है हमें। तो इसलिए हम इसमें सीख में लगा के बनाते हैं। और सीख में बनाने से पहले आपको सीख जो है वो आप पहले पानी में भिगो दें, आप फ्राई करने से भी पहले थोड़ी देर पानी में भिगो दें, क्योंकि हमारी सीख जलेगी नहीं, ऐसे लकड़ी की होती है ना, स्क्यूअर्स जो होते हैं वो जल भी सकते हैं। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर ज़्यादा मिला दिया, मसाले वही हमारे जो हर मसाला इंसान से बनाने का तरीका अलग कर देता है, लेकिन मसाले जो हमेशा होते हैं, मसाले कभी कोई कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप काली मिर्च डाल सकते हैं दिखाने के चक्कर में, बट मसाले सब वही होते हैं। घर में हमारे जो अफराद होते हैं वही मसाले पड़ते हैं, बाहर वाले होटल वाले भी कोई अलग से मसाले लाते नहीं, वो लोग बताते हैं इसे कोई सीक्रेट मसाला, कोई सीक्रेट मसाला नहीं होता है, वही सौंफ जीरा ज़्यादा करके, सरसों ज़्यादा करके वो लोग बना देते हैं। बट अब बाहर की चीज़ तो बाहर की चीज़ होती है, इंसान बाहर की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देता है, घर की कहते नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाला हाल होता है। तो यहाँ पे बस हमने मैरिनेशन करके रख दिया, थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ करने लगे। और ये व्लॉग मेरा नेक्स्ट जो जुमा था, मतलब अगले जुमे का हो गया, नेक्स्ट जो आगे होगा अगले साल वाला हो जाएगा, अगले हफ्ते वाला, ये उससे भी पहले का है, वही मैंने सोचा नेक्स्ट काम हमने कह दिया, क्योंकि ये जो है हमारा पहले का व्लॉग है, अगले जुमे का था व्लॉग ये, क्योंकि इतने दिन से हमने एक भी व्लॉग डाला नहीं था। तो मैंने सोचा चलो पहले ये वाला व्लॉग डाल देते हैं, एप्पल जेली बनाई थी, एप्पल जेली का व्लॉग आपको बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे अम्मी ने कराया कि जुमे के दिन ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है ना, मेथी खिचड़ी और तहरी, बट हमारे यहाँ तहरी जो है मेरे भाई लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, भाई लोग तो है नहीं, और डैडी को रोटी ज़्यादा पसंद है, कि रोटी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें भी रोटी ज़्यादा उनमें आती है, कि खाली मतलब चावल नहीं अच्छे लगते, ज़्यादा पेट नहीं भरता है। बट अम्मी ने कहा उस दिन मौसम ज़्यादा अच्छा हो रहा था अगले जुमे को, तो अम्मी ने कहा आज मेथी खिचड़ी बनाएंगे, आज मेरी छुट्टी करो काम से, मेरा दिल नहीं चाह रहा है रोटी वोटी बनाने का, क्योंकि रोटी में थोड़ी सी अम्मी को रोटी बनाने में थोड़ा सा लेजीनेस लगता है, लेकिन अम्मी सुबह सुबह रोटी बना देती है ज़्यादातर। कभी कभी ऐसा होता है कि रोटी जो होती है हमारी इतनी बच जाती है, बट डैडी जो हैं वो एक भी रोटी का कतरा भी बिल्कुल बर्बाद करना नहीं छोड़ते, कहते हैं किसी को तो ये भी नहीं नसीब हो रहा है, तो इसलिए बर्बाद नहीं करना चाहिए लोगों की रोटी को, तरस रहे हैं। आजकल ऐसा माहौल चल रहा है पाकिस्तान में भी, मतलब इतनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई, लोग इतना परेशान है, बस अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर कर दे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हम बनाने लगे, चले पहले रेसिपी की तरफ आते हैं। तो हमने इसमें दही, मैरिनेशन वाला दही जो था वो भी हमने ऐड कर दिया, थोड़ा सा हमने दही को पानी में थोड़ा छन्नी में डाल दिया था, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पानी है उसका निकल जाए, खाली दही बचेगा जब हम चिकन में ऐड करेंगे, वरना पानी दही हो जाता है उसमें। ये चिकन हम फ्राई करना है इसलिए हमने बाद में मिलाया था। और यहाँ पे हम कसूरी मेथी डालने लगे हल्का सा घिस के,
और ये हम जो गैस पे हमने कोयला रख दिया, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज़ में हमें स्मोक तो लगानी है, क्योंकि चटकारा चिकन और चटकारे में मक्खन का फ्लेवर ना आए तो जब तक के मज़ा नहीं आता है। तो बस हम यहाँ पे अब देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने वो रख दिया था, क्या बोलते हैं, कोयला जो है बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे रख दिया, तो वो कोयला रखे रखे बुरादा बन गया बिल्कुल है। तो हमने कहा भाई इसको नहीं अब लगाएंगे क्योंकि बुरादा बन गया, तो हमने कहा दूसरा कोयला ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है सफ़ेद तिल्ली, जो नहीं होती सफ़ेद तिल होती है, जो वो हम लाए थे बाज़ार से, तो उसको हमने हल्का सा भून लिया। हमने सोचा अगर तेल में ये चिकन से निकल भी जाएगी उसके बाद अगर खाएंगे तो कच्चा कच्चापन नहीं लगेगा, वरना कच्ची कच्ची मुंह में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, इंसान ने कच्ची डाल दिया, तो इसलिए हल्का सा हमने इसको भून लिया था। उसमें भूनने से अलग एक अलग से तरीके का टेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हम बस चिकन में जगह बना रहे हैं, अब हम जाके बाजार से छोटी सी कटोरी ले आएंगे, क्योंकि हमारे स्टील की कोई कटोरी है नहीं, इतने बर्तन स्टील के हो गए थे, अम्मी ज़्यादातर बर्तन स्टील के हटा ही दिया अम्मी ने, बस इन्हीं को 3-4 प्लेटें स्टील की रखी, क्योंकि हम खाना स्टील की प्लेटों में खाते, मेरे डैडी की आदत है कि गहरी प्लेट चाहिए होती है ना, सारे नाले बनते हैं तो गहरी प्लेट में खाते हैं, और ये बोन चाइना वाली प्लेटें जो हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट टाइप की होती हैं। तो बस हम यहाँ पे स्मोक लगाने लगे हैं कोयला रख के बीच में, और मक्खन ढक दिया है, बिल्कुल मक्खन डाल दिया उस पर। आप चाहे देसी घी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैंने इतने दिन से व्लॉग नहीं डालता, मम्मी इतने दिन से मेरे पीछे लगी थी, कोई व्लॉग नहीं डाल लियो, कोई व्लॉग नहीं डाली, तो मैंने सोचा चले जी व्लॉग डाल देते हैं। और यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा हमें मैदा निकाल के दे रही हैं, और उसमें हम मिलाएंगे चावल का आटा, जो कि हमने पीस के रख लिया था, हम पहले से हमने पीस लिया था। मम्मी ने कहा आप कोई काम पड़े तो पहले से चावल का आटा पीस लेना, कि चावल का आटा पीसने से ना हर चीज़ में काम आता है। कभी कभी आप पकौड़ी बनाए तो उसमें भी डाल लें, बाहर वाले जो पकौड़ों में स्वाद होता है ना, और इसमें हमने थोड़ा सा बेसन भी ऐड करा है, बेसन ऐड करा है इसमें, क्या बोलते हैं आप, मैदा है ठीक है, और चावल का आटा है, और अब इसमें मिला रहे हैं गरम मसाला, क्योंकि अलग सा टेस्ट हमें लाना है चिकन चटकारा में, अपने हिसाब से बना रहे हैं, ना कोई रेसिपी है कोई फॉलो करी हुई है ना किसी की, हमारी अपनी खुद की रेसिपी, मैंने सोचा हर तरीके का बनाया जाए। अब इसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई अच्छे से चिकन की रेसिपी, आप लोग बताया करें क्या बनाए, रोज़ समझ में नहीं आता, 204 और 209 वीडियो हो गई मेरे खाने की, अब क्या क्या लाएं बना बना के, कौन सी ऐसी डिश लाएं जो आपको पसंद आए, हम भी सोचते हैं कहाँ से डिश लेके आए। अब कहीं ना कहीं होटलों में जाएंगे तो आप लोग के लिए रेसिपी लेके आएंगे इंशाल्लाह। नहीं मैं मजाक कर रही थी, आप लोग को जो पसंद हो, जो चीज़ आपको नहीं आती चलिए हम भी अपने किचन में कभी ना कभी ट्राई कर लेते हैं, अब बनना ना बनना ऊपर वाले के हाथ में, बन गई तो अच्छी बात है, नहीं बनी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोशिश तो हमारी पूरी रहती है कि हमारी डिश बिल्कुल अच्छी बने, जो कि हमारी डिश भी दूसरा अगर ट्राई करे तो बंदा कहे हाँ उनके चैनल से बनाई है तो अच्छी बनी है। मेन मसला हमारा ये है कि हमें फीडबैक अच्छा मिलना चाहिए। बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा वीडियो, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी, 18 मिनट 32 मिनट की वीडियो हो रही थी, मैंने सोचा कोई शादी वादी की वीडियो तो है नहीं जो इतनी लंबी वीडियो डालना है, तो मैंने थोड़ी सी कम करके हर तरफ से प्रिकट कर करके थोड़ी सी छोटी क्लिप बनाई, क्योंकि मैंने सोचा आप लोग बोर भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो बस हमने यहाँ से थोड़ा सा नमक हमें कम लगा तो हमने नमक भी ऐड कर दिया, हमारा तेल गर्म हो रहा था, फिर हमने सोचा डैडी नमाज पढ़ के ईशा की आ जाएंगे, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। बस हम 8:30 से हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी, हमने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीमी आंच से पकाएंगे, अंदर से चिकन हमारा गल जाना चाहिए। चिकन हाफ हम कभी भी बनाएं, कभी भी ये ना सोचे मेहमान बैठे हुए जल्दी बना के देना, जल्दी बना के देना, मेहमान क्या सोचेंगे, ऐसा भी नहीं सोचना बिल्कुल भी आपको, आपको ये सोचना है कि चिकन हमारा जितना ही टाइम लेगा बनने में उतना ही हमारा चिकन अच्छा बनेगा। आप पहले मीडियम लो पे चिकन को गला लें, खूब अच्छे से फ्राई हो जाए, खूब अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए, जब 5 से 6 मिनट तक फ्राई हो जाए अंदर से, जब उसके बाद हल्की सी आप मीडियम हाई पे करें, क्योंकि आप फ्लेम बहुत ज़्यादा एकदम से हाई कर दोगे ना तो अब चिकन ऊपर से तो रेड हो जाएगा बट अंदर से वो गलेगा नहीं, तो आप पहले मीडियम लो पे बनाएं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप देखें चिकन हमारा गलने लगा है फिर आप मीडियम हाई कर दें। तो जो हमने बेसन लिया था, अरारोट मिलाया था, गरम मसाला, मैदा मिलाया था ना, अरारोट कह रहे, बेसन लिया था, चावल का आटा लिया था और मैदा लिया था और गरम मसाला मिला के, तो वो हमने इसी में ऐड कर दिया था। तो चलिए जी ये हो गया हमारा चिकन, खूब अच्छे से देखिए कितना अच्छी सी तिल्ली विल्ली लगी हुई बिल्कुल सामने आ रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से चिकन मिलता है, ये चिकन आपको दावतों में मिल जाएगा खाने के लिए, हमने ये वाला चिकन काफ़ी जगह खाया हमने, और नेक्स्ट टाइम अब देखिए कब खाते ये वाला कि अभी भी बनाया था हमने।
था आज का व्लॉग, आई होप आप लोग को अच्छा लगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मेरा चैनल आगे बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मस्त वीडियो से आऊँगी लेके, तो अल्लाह हाफिज़। जब तक के